तो अभी हम कैंपिंग के लिए थोड़ा रुके थे, साई की तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी हमें। हमने उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो इट वाज बिलो 80, इट वाज 74, 74 टू बी एग्जैक्ट, 74। तो पहले मेजर किया था 78 आया था एंड बाद में 74, तो हमने थोड़ा अभी वेट नहीं किया एंड उसको अभी हम ऑक्सीजन दे रहे हैं एंड इज फीलिंग बेटर नाउ। थोड़ी देर में चेक करेंगे उसका ऑक्सीजन लेवल एंड आई थिंक ही विल बी फाइन। रख इसको, रख तो भाई, डोंट लुक एट, अरे रुक जा, आया आए, यप, फाइन फाइन फाइन, बताया तो 92, हूं, यस, क्या 92, मिक्स वेज, मिक्स वेज 92, but it's 96 which is fucking amazing, yeah. Yes, itna acha to kisi ka bhi nahi hai, say you are Jesus Christ, Nidhi be my Lord and Savior Jesus Christ because she saved me with this thing and many other things like the peanut butter and jello and all that. You're feeling better now? Yeah, excellent. Thank God. No more headache. तो good morning है सबको एक बार फिर से, और अभी हमारी शुरुआत हो गई है 5th day की। और कल रात मैटर थोड़ा सीरियस हो गया था जब साई की ऑक्सीजन गिर गई थी, लेकिन तब हमें पता चला ये छोटी सी ऑक्सीजन कैन कितनी काम आती है। तो जो भी आ रहा है प्लीज़ ज़रूरत हो या ना हो रख लो अपने साथ। हाँ, लेह लद्दाख का ट्रिप प्लान करने से पहले जितनी भी ज़रूरत का सामान है वो चीज़ें एक बार आप अपनी चेकलिस्ट सारी देख लेना, और अभिनव आई थिंक आपको बता ही देगा क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसका डिटेल व्लॉग बना देंगे। हाउ आर यू आवर हेल्थी हॉर्स? आई एम एक्सलेंट। देखो इसको ऑक्सीजन देने के बाद ऐसे उछल रहा है ये भाई। ज्यादा तो नहीं हो गई साई ऑक्सीजन? यार इतना बढ़िया सोया मैं। हम होटल में भी रुके, टेंट में भी रुके पहले, बट टुडे आई स्लेप्ट द बेस्ट। आज साई बिल्कुल मूव भी नहीं किया है जैसे, उधर ना एकदम मतलब एक ही पोजीशन में कॉन्स्टेंटली स्नोरिंग। और स्नोरिंग? हां वो तो मेरे को भी आ रहा था यार, बढ़िया नींद था यार। सुबह उठ के व्यू भी बहुत अच्छा है। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah I'm all about keeping you and I. अभी हम खारदुंगला में नाश्ता करके निकल रहे हैं नूबरा की तरफ। रात को यहाँ पे रोड पे थोड़ा ब्लास्टिंग वर्क चल रहा था, उसकी वजह से यहाँ रुक गए थे, लेकिन अभी बस देखिए पीछे दोनों गाड़ी तैयार है और निकलते हैं। तो अभी हम खारदुंग क्रॉस कर चुके हैं और जम्मू से चले हैं, और ओवरऑल माइलेज देखिए 15.5 दिखा रहा है, और ट्रेन देखिए आय हाय कितना सुंदर। तो ये आ गया है मोड़ प्रतापपुर वाला, और नीचे जाएंगे हम, हाँ नीचे जाएंगे उस साइड, हम जाएंगे पैंगोंग जो कि कल जाएंगे, और इधर जा रहे हैं हम अभी नूबरा। ये था टी जंक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट है, अब गलत रास्ते पर पहुंच गए तो गलत जगह ही पहुंच जाओगे ध्यान से। और ये हमारे लेफ्ट साइड में बह रही है शायोक रिवर जो कि ग्लेशियर मेल्ट होता है उससे बनती है पूरी है। काफी अच्छी बना रखी है एकदम स्ट्रेट, और इतने सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे, देख के मन गदगद हो गया। और कोई पर्यायवाची बोलो अभिजीत। प्रफुल्लित हो गया। और ये वो जगह है जहाँ भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी। सही में? हाँ, इसलिए मिल्खा पॉइंट बोलते हैं, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं, इधर इसी के आसपास कहीं पे हुई थी जहाँ पे वो टायर बांध के गोल गोल भागता है ना वो चीज। सैंड ड्यून्स देखा नहीं यहाँ पे? ये सैंड ड्यून्स नहीं है बाबू, सैंड ड्यून्स आ गया।
ये छोटा सा ऐसे पड़ा है। अभिजीत क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं बोल रहा था यहाँ सब नो डाउट यहाँ पे बहुत सारी जगह है एंड यू नीड एनफ टाइम, बट जो आदमी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है वो सब कर रहा है उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो डिटेल एक्सप्लोर कर सके। उनका यही रहता है आओ एक एक जगह टच एंड गो या तो नहीं तो मल्टीपल ट्रिप सिर्फ ले लगा के बनाते रहो। क्या कहना चाहोगे आप दोनों? मतलब ये ना कॉलेज टाइम में घूम सकते थे, कॉलेज टाइम में टाइम था लेकिन उस टाइम पे पैसा नहीं होता हमारे पास, और अब पैसा है तो हम उस टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है, और जब पैसा और टाइम दोनों होगा तो हमारे पास हम बूढ़े हो चुके हैं। क्यों? अबे रुक जा रुक जा रुक जा भाई रुक जा। ये रिवर्स आएगा तो हम भी रिवर्स जाएंगे। गजब आदमी है यार, कोर्ट कहाँ चला? पहुंच चुके हैं डिस्केट मॉनेस्ट्री और ये देखिए उसका वेलकम गेट। भाई भाई, भाई। और अभी हम आ गए हैं मैत्रेय बुद्धा के स्टैचू पे, पीछे आप देख सकते हो। अभी हम ऊपर जाएंगे, और जब हम नीचे से आ रहे थे तो यहाँ पे हमें कुछ चार्जेस देने पड़े थे 30% पर हेड। तो गाड़ी पार्किंग की ये स्पेस भी है यहाँ पे, हाँ पार्किंग फ्री है, बट ऊपर आने के लिए थोड़ी एक 30 रुपये पर पर्सन फीस देनी पड़ती है। और यहाँ ड्रोन उड़ाना मना है, फिर भी हम ऐसे शॉट लेंगे शायद आपको अच्छा लगे। के इतनी शांति मिल रही है, और अभी हमने पूरा ऐसे स्टैचू वीडियो में देखा ही होगा, इतना अच्छा है ऊपर तक देखने में, इतना अच्छा लग रहा है, बादल ऊपर ऐसे तैर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है देखने के लायक है। लेकिन शाम को आना, हाँ यहाँ पे शाम को आना क्योंकि धूप इतनी तेज है ना, एकदम जल जल जा रहे हैं बिल्कुल, और सनस्क्रीन भी मदद नहीं करेगी ऐसा मत सोचना, सही में जल जाओगे। पहले ऑर्डर छोड़ दिया हमें, अभी हम मैत्री बुद्धा के स्टैचू से निकल के अभी हम यहाँ पे थोड़ा खाने के लिए रुके हुए हैं, जगह बहुत अच्छी है। दो टाइप का मंगवाया ना, और सारे लोग वेज फ्राइड राइस यार, फिर भी पापा तोड़ के बोल रहा है, तोड़ तोड़ के हम लेंगे ना सब, क्या यार तुम लोगों ने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया था ना, ही वाज लाइक उठ के ही चले जाए इससे अच्छा। आ गए हम वाइट साइड ड्यून।